नमस्कार, मैं विराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी प्रशासन मिलकर सूबे से अपराध का सफाया करने में जुटे हैं। आए दिन कोई ना कोई अपराधी यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ता ही रहता है। हालांकि कुछ अपराधी ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को कानूनी शिकंजे से बचाने के लिए अपने सपोर्टर सरकार के राज में जाकर सरेंडर कर देते हैं, ताकि वो बाकी की जिंदगी बिना किसी खौफ और मजे से काट सके। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, भले कोई सरकार कानून से ऊपर कैसे हो सकती है। तो आपको बता दे और याद दिला दे कि मुख्तार अंसारी वाले मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसमें अब जब उसे पता चला कि अब वो पकड़ा जाएगा और यूपी पुलिस अब उसे छोड़ेगी नहीं, तो वो तुरंत पंजाब भाग गया और वहां पर जाकर उसने सरेंडर कर दिया, क्योंकि वहां है कांग्रेस सरकार और कांग्रेस सरकार पर आए दिन अपराधियों का पक्ष लेने और उनका संरक्षण करने के आरोप भी लगते रहते हैं। लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ठान लिया कि वो मुख्तार अंसारी को यूपी वापस लाकर रहेंगे, जो अभी कुछ दिनों पहले पूरा भी हुआ और मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ जेल से यूपी के बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। इस मामले के बाद एक बार और ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें एक बार फिर पंजाब पुलिस के हाथों या फिर यूं कह लीजिए कि पंजाब प्रशासन के हाथों एक और अपराधी बचकर निकल गया है और पंजाब पुलिस और वहां की सरकार के मुंह पर काली पोत गया। आइए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल गोरखपुर जिले के गुलरिया इलाके के पूर्व प्रधान और बीजेपी नेता ब्रिजेश सिंह की हत्या में शामिल कुख्यात शूटर सतनाम सिंह पंजाब पुलिस की कैद से फरार हो गया है। बता दें कि गोरखपुर में गई क्राइम ब्रांच की टीम ने सतनाम को पकड़ लिया था और उसे रिमांड पर गोरखपुर लेकर आने की तैयारी चल रही थी, मगर इसी बीच पंजाब पुलिस की कस्टडी से वो फरार हो गया। खबर यह भी है कि मामले में पंजाब पुलिस के दो सिपाहियों को निलंबित भी कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक गुलरिया के नारायणपुर गांव के पूर्व प्रधान और भाजपा नेता ब्रजेश सिंह की 2 अप्रैल की रात को हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद रविवार को गोरखपुर एसएसपी ने साजिशकर्ता सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा किया था। अब इसी के साथ आपको बता दें कि हत्याकांड में शामिल दोनों शूटर पंजाब में अमृतसर तरन तारण रोड दविंद्र नगर का रहने वाला सतनाम उर्फ छिद्दू उर्फ शैलेंद्र सिंह था और उसके साथ ही रहने वाला राजवीर उर्फ राज उर्फ मालक सिंह, दोनों ही फरार चल रहे थे। उनकी गिरफ्त के लिए एसएसपी ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। दोनों की गिरफ्तारी के लिए गोरखपुर क्राइम ब्रांच की एक टीम पंजाब में डेरा डाले हुए थी। गोरखपुर टीम ने एक शूटर सतनाम सिंह को पंजाब पुलिस की मदद लेकर गिरफ्तार भी कर लिया था। पंजाब से उसे गोरखपुर लाने के लिए गोरखपुर पुलिस रिमांड लेने की तैयारी में थी, तब तक के लिए उसे पंजाब पुलिस की कस्टडी में रखा गया था। लेकिन शायद गलती भी यही हो गई, क्योंकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो पंजाब पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। फिलहाल इस मामले में पंजाब पुलिस के 2 सिपाहियों को लापरवाही मानते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ शूटर के हाथों से निकलने पर निराश हुई गोरखपुर क्राइम ब्रांच की टीम एक बार फिर से उसके तलाश में जुट गई है। तो देखा आपने कि कुछ पुलिसकर्मियों की लापरवाही की वजह से इतना खतरनाक अपराधी पुलिस कस्टडी से ही फरार हो गया। ऐसे में ये पंजाब पुलिस के लिए शर्म की बात है। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है और बाकी के आरोपी कब तक पकड़े जाते हैं। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।